ओके दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो किसी के भी एनिवर्सरी में कुछ इस प्रकार का हैप्पी एनिवर्सरी वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करके विश करना? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा इस तरह का आपको एनिवर्सरी वाला स्टेटस वीडियो किस तरह से क्रिएट करना है। दोस्तों, इस तरह का एनिवर्सरी वाला स्टेटस वीडियो अगर आप लोग खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। अगर दोस्तों ये वाला स्टेटस वीडियो अगर आप लोग मुझसे क्रिएट करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट या इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करना, या दोस्तों आप लोग इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। काइनमास्टर ऐप आप लोग जैसे ओपन करोगे, आपका काइनमास्टर का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है 16:9। उसके बाद आपको नीचे क्रिएट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार बैक आ जाना है। आपको इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड के मिडिल में एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके नीचे एडिटिंग में आना है और आपको डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन को 4 सेकंड पर रखना है और आपको डिस्प्ले मोड को करना है फुल स्क्रीन। और नीचे आपको मिलेगा डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन, आपको 1.5 सेकंड रख के आपको बैक आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा मीडिया ऑप्शन, यहाँ पर जाके दोस्तों आपको 10 से 12 फोटो ऐड कर लेना है 30 सेकंड वीडियो के लिए। तो दोस्तों, फोटो ऐड करने के बाद आपका वीडियो का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको फोटो में क्लिक करके पेन जूम के ऑप्शन में जाना है और आपको एंड पोजिशन में क्लिक करके इसका एंड पोजिशन कुछ इस प्रकार से आपको जूम करना है। ठीक है दोस्तों, आपने जितना फोटो ऐड किया था सभी फोटो का आपको एंड पोजीशन कुछ इस प्रकार से आपको जूम कर लेना है। ठीक है, और एंड पोजीशन जूम करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है। प्लस वाला आइकन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, एक डायनामिक स्लाइड वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको ऐड करना है, जो कि दोस्तों आपको सबसे पहले आपको प्लस वाला आइकन में आपको 06 को सिलेक्ट करना है और आपको कलर को इसको आपको रेड कलर सिलेक्ट करना है। ठीक है, व्हाइट कलर ऊपर रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट प्लस वाला आइकन में क्लिक करके आपको यहाँ पर आ जाना है फिर से ट्रांजेक्शन इफेक्ट में। और ट्रांजेक्शन इफेक्ट में दोस्तों यहाँ पर आ जाने के बाद आपको 03 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डायनामिक स्लाइड में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है 04 को। ठीक है, उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है फिर से ट्रांजेक्शन इफेक्ट में आके आपको 05 को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करके आपको दोस्तों आ जाना है ट्रांजेक्शन इफेक्ट में। और ट्रांजेक्शन इफेक्ट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों 02 को। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है और आपको 01 को सिलेक्ट करना है। दोस्तों, ये आपको 6 ट्रांजेक्शन इफेक्ट जो है आपको वीडियो के एंड तक आपको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो मैं फटाफट सेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं वीडियो के एंड तक सभी ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड कर चुका हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखोगे मेरा वीडियो का लेंथ 26 सेकंड के आसपास है। तो दोस्तों, यहाँ पर मुझको लेंथ थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग फोटो ज़्यादा ऐड किए होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका लेंथ सही होगा। दोस्तों, अगर आप 10 से थोड़ा कम फोटो अगर ऐड करोगे तो दोस्तों इस प्रकार से आपको फ़ोटो को एडजस्ट करना है थोड़ा थोड़ा आपको लेंथ इस प्रकार से बढ़ाने के बाद। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ थोड़ा थोड़ा लेंथ मैं बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं इस वीडियो को 30 सेकंड तक कर चुका हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर आपको राइट साइड के ऊपर आपको इस एरो में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस वीडियो को सेव एज़ करना है। ठीक है, जो कि दोस्तों ये वाला वीडियो मैं पहले से ही सेव एज़ कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा सेव नहीं करूँगा। दोस्तों, ये वाला वीडियो आपको सेव कर लेने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो आपने दोस्तों ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड किया था इसको आपको चेंज करना है। नीचे फंड ट्रांजेक्शन में आके आपको थर्ड नंबर को सिलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना भूल चुका हूँ, अगर दोस्तों आपका काइनमास्टर में डायनामिक स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट अगर नहीं है तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपली से आपको क्या करना है, प्लस वाला आइकन में आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड के थोड़ा ऊपर में यहाँ पर होम वाला आइकन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका नेट ऑन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जो भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट दोस्तों आपको डाउनलोड करना है उस ट्रांजेक्शन इफेक्ट का नाम लिख लेना है। और जैसे दोस्तों सर्च करोगे आपको दोस्तों ट्रांजेक्शन डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद इस प्रकार से आपको वीडियो के एंड तक ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं फटाफट से डायनामिक स्लाइड ट्रांजेक्शन इफेक्ट चेंज करके फंड ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मैं वीडियो के अंत तक ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड कर चुका हूँ। और दोस्तों, आपको फोटो में क्लिक करके इसका विग्नेट भी आपको कुछ इस प्रकार से आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, सभी फोटो का विग्नेट आपको ऑन कर लेना है।
विग्नेट को ऑन करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाके इफेक्ट ऑप्शन में आना है और आपको बेसिक इफेक्ट मिलेगा और आपको ब्लर वाला इफेक्ट को ऐड करना है और इस ब्लर को वीडियो के चार ओर इस तरह से ले लेना है और आपको ब्लर को मतलब दोस्तों पूरा वीडियो में आपको ब्लर कर लेना है ठीक है। और आपको यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन मिलेगा और इसका लेंथ आपको 3 रखना है और आपको इस ब्लर को वीडियो के एंड तक आपको ले चले जाना है ठीक है। उसके बाद वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाके आपको मीडिया ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको एक हैप्पी एनिवर्सरी वाला टेम्पलेट वीडियो को ले लेना है। दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियो को आपको कैसे डाउनलोड करना है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। दोस्तों इस टेम्पलेट वीडियो को लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपको नीचे मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, इसको आपको क्लिक करके फिल स्क्रीन करना है और आपको नीचे मिलेगा यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन, आपको करना है स्क्रीन। स्क्रीन में क्लिक करने के बाद एक बार बैक आ जाना है और बैक आने के बाद लेयर ऑप्शन में क्लिक करके मीडिया ऑप्शन में आपको आ जाना है ठीक है। और आ जाने के बाद इस प्रकार से आपको दोस्तों एक्सपोर्ट किया हुआ वीडियो को ऐड करना है और इस वीडियो का लेंथ आपको छोटा करना है और छोटा करने के बाद इस प्रकार से आपको रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आपको टेम्पलेट के अंदर जो आपको फ्रेम का बॉर्डर मिल रहा है इस बॉर्डर के लेंथ मुताबिक आपको इस वीडियो को आपको दोस्तों जूम करना है ठीक है। आपको दोस्तों अच्छी तरीके से वीडियो को बैठाने के बाद इस प्रकार से आपको जूम कर लेना है और जूम करने के बाद ऊपर 3 डॉट में आपको क्लिक करना है और इसको आपको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। सेंड टू बैकवर्ड करने के बाद आपको लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन में आना है और आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फ्रेम में फ़ोटो एडजस्ट करना है ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ़ोटो को ले लेना है तो सिंपली से यहाँ पर मैं कोई एक फ़ोटो में यहाँ पर ले लेता हूँ। और दोस्तों फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, दोस्तों यहाँ पर फ़ोटो लेने के बाद आपको इस साइड में क्रॉपिंग ऑप्शन मिलेगा और इसका मार्स ऑन करके शेप्स में जाके आपको हार्ड वाला शेप्स को ऐड करना है और हार्ट को थोड़ा ऊपर ले जाना है और आपको फ़ोटो आप चाहो तो इस प्रकार से जूम भी कर सकते हो। और फ़ोटो का लेंथ थोड़ा छोटा करने के बाद मतलब साइज छोटा करने के बाद यहाँ पर जो आपको हार्ट दिख रहा है इस हार्ट के ऊपर आपको बहुत अच्छे से ये वाला फ़ोटो को बैठाना है और आपको ऊपर 3 डॉट में क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है और आपको इस फोटो को वीडियो के एंड तक आपको ले चले जाना है ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों आपको छोटा वाला हार्ट में भी फ़ोटो बैठा लेना है। दोस्तों दोनों फोटो को आपको बैठाने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाके टेक्स्ट ऑप्शन में आना है और आ जाने के बाद दोस्तों जिसके नाम से वाला एनिवर्सरी वाला वीडियो एडिट कर रहे हो दोस्तों उसका नाम आपको कुछ इस प्रकार से आपको लिख लेना है ठीक है। दोस्तों नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको डबल ए में जाना है और आपको जो भी टेक्स्ट स्टाइल आपको बेटर लगता है उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको थोड़ा जूम कर लेना है इस टेक्स्ट को ठीक है। और आपको इस जगह पर बैठना है। बैठने के बाद आपको इसका लेंथ पकड़ के आपको वीडियो के एंड तक आपको ले जाना है ठीक है। वीडियो के एंड तक आपको ले जाने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाना है। ऑडियो ऑप्शन में जाने के बाद सॉन्ग ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी सॉन्ग आपको एनिवर्सरी के लिए ऐड करना है उस पर आपको क्लिक करके जैसे प्लस वाला आइकन में क्लिक करोगे आपका सॉन्ग नीचे ऐड हो जाएगा और जैसे दोस्तों आप लोग वीडियो को प्ले करोगे आपका भी वीडियो मेरे तरह कुछ इस प्रकार से रेडी हो जाएगा ठीक है। अगर इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग क्रिएट करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर दोस्तों इस वीडियो को अगर आप सभी को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था।